सो ए गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज, हम बात कर लेते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। तो हमने उसकी यूनिट वन स्टार्ट करी थी एंड मैं बताता हूँ कितना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर साइज रिडक्शन में हमारा हमने देख लिया था इसके ऑब्जेक्टिव, मैकेनिज्म, लॉस गवर्निंग साइज रिडक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। एंड सेकेंड लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने हैमर मिल, बॉल मिल, फिलुड एनर्जी मिल, तीनों मिल कंप्लीट कर ली। आज हम देखने वाले हैं एज रनर मिल एंड एंड रनर मिल। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और है कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सी है, बट जो बुक में दे रखा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको भाई आज बिल्कुल ईजिली समझाने वाला हूँ, हल करने वाला हूँ आपकी प्रॉब्लम को। आज हम वीडियो में कवर करेंगे एज रनर मिल एंड एंड रनर मिल, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट नहीं देखे तो एक बार उसको जरूर से चेक करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मशीन से अपनी, जो कि है एज रनर मिल। तो गाइस, अब इसका देखिए, एज रनर मिल का डायग्राम तो ये होता है, ठीक है। अब डायग्राम आपको ये नहीं आ रहा है तो मैं आपको भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ इस मशीन का, जो कि है एक घर में आटा पीसने वाली चक्की। चक्की, आपने सही सुना। तो जैसे आपके, मैं अभी आपको समझाता हूँ गाइस। चलिए पहले थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में, देन आपको मैं समझाऊंगा एक दूसरी मशीन के बेस पर। तो इसका प्रिंसिपल देखिए पहले। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग कंप्रेशन बाय हैवी स्टोन रोलर, यानी कि दो स्टोन के रोलर के बीच हम कोई भी मटेरियल फीड करेंगे एंड उसमें लगेगा क्रशिंग। क्रशिंग क्या होता है? आपस में पीसना। तो जब दोनों रोलर आपस में टकराएंगे तो बीच में जो मतलब चीज होगी वो तो पीसेगी। तो यस, यही इसका प्रिंसिपल है। अब एक यहाँ पर कुछ मैंने अलग से बात ले रखी है, रोलर मिल, यानी कि इट वर्क ऑन द मैकेनिज्म ऑफ मोटर एंड पिस्टन। इट क्रश द मटेरियल इनटू फाइन पाउडर बाय रोटेशन स्टोन। यानी कि आपने देखे हैं ना मोटर पिस्टन, लैब में देखे होंगे, आई होप जरूर से देखे होंगे। मोटर पिस्टन क्या होते हैं हमारे, ये एक इस तरह का बाउल होता है एंड एक हमारा, ये एक हमारा मोटर होता है, ये पिस्टल होती है। तो इसको हम ऐसे कर करके घुमाते हैं, ये हमारा मोटर पिस्टल होता है, ठीक है। अब जब हम दो, अब आपको समझिए, ये मशीन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, तो अब ऐसा आपको समझाता हूँ बहुत ही ईजी मशीन से। आपने देखो, जो पुराने ज़माने में हम गेहूँ पीसते थे अपनी घर में, जो हमारी चक्की होती थी, कुछ के घर में अभी भी होगी, तो एक स्टोन हमारा ऊपर रहता था एंड एक स्टोन हमारा नीचे रहता था, मतलब पत्थर, एंड इसके बीच में हमें रहती थी कुछ जगह एंड ये गड्ढा सा यहाँ से बस, ठीक है। अब इस गड्ढे में से हम डालते थे अपना मटेरियल, जो कि होता था हमारा गेहूँ। तो गेहूं को हम डालेंगे एंड ये जो ऊपर वाला रोलर होगा वो हमारा रोटेट करेगा। तो जो ये रोटेट करेगा तो बीच में जो मटेरियल, यानी कि गेहूं आएगा ऊपर से, वो हमारा पिसता चला जाएगा एंड वो जो हमारा वो क्रश होगा वो साइड से निकलता रहेगा एंड नीचे हम उसको एक ट्रे में कुछ किसी भी चीज़ से हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यही है इसकी ओरिजिनल मशीन, ओके। अब आप ये मत समझना कि ये मशीन यहाँ बननी है, ये सिर्फ बुक के बेस पर बननी है, बट जो रियल मशीन है वो यही है जो मैंने आपको भी समझा दिया, घर में पीसने वाली चक्की, ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं है, इस मशीन सिंपल है मशीन ये। अब समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। अब आपने देखो कि जो आटे पीसने वाली चक्की होती है बड़ी बड़ी, तो वही है, ये दो रोलर लगे हैं, ठीक है। एक ऊपर शाफ्ट लगा है जो इन रोलर्स को घुमाने का काम करता है, ठीक है। अब जब इसमें हम कोई भी मटेरियल फीड करेंगे तो दोनों रोलर वही है, आपस में जब टकराएंगे तो क्रशिंग होगा। क्रशिंग यानी कि पीसते हैं जो भी बीच में मटेरियल होगा। अब उसको जब हम पीसेंगे, नीचे एक और शाफ्ट लगा रहता है जो इसको रोटेट करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो हमारा पीस पीस कर इसमें, एक जो हमारा आपको पता है आटे पीसने वाले चक्के में एक कलेक्टिंग ट्रे सा लगा रहता है, तो वही बात है, एक कलेक्टिंग ट्रे सी लगी रहती है जिससे हमारा पीस पीस कर जो मटेरियल है रिड्यूस होकर साइज में वो आता रहता है एक साइज में, ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मशीन है जो, बट मैंने आपको पीछे बताई है, आप उसको बना के आना, सिंपल है, ठीक है। बस दो हमको इसमें मेन फोकस रखना है, रोलर्स पर, ये जो दो रोलर है ना, बस हमको इस पर फोकस रखना है। आप कुछ नहीं, ऐसे भी मशीन बनाए हुए होगे ना, थोड़ा आप स्टैंडर्ड तरीके से बनाया ना, बस वही बात है, यही हमारी हो जाएगी एज रनर मिल, ठीक है। तो अब इसके कंस्ट्रक्शन में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। इट कंसिस्ट ऑफ टू हैवी रोलर ऑन सेवरल टन, यानी कि कुछ दो हमारे इसमें हैवी रोलर बने रहते हैं जो कि कई और टन के होते हैं, ठीक है। रोलर्स मूव ऑन ए बेड, मतलब एक तरह से रोलर आपस में बेड की तरह मूव करते हैं। रोलर्स आर मेड ऑफ स्टोन और ग्रेनाइट। रोलर्स हमारे जो होते हैं वो स्टोन के बने, पत्थर के भी हो सकते हैं, ग्रेनाइट मार्बल के भी हो सकते हैं, ठीक है। रोलर्स ऐसा सेंट्रल शाफ्ट रिवॉल्व ऑन इट एक्सिस, एंड रोलर की एक सेंट्रल शाफ्ट होती है, शाफ्ट यानी कि रोटेटिंग मोटर, ठीक है।
माउंटेन ऑफ रिजल्टेंस ऑफ मूव अराउंड द बेड, एंड एक हमारी जो नीचे लगी है ये हमारी बेड को मूव करने का काम करती है। वर्किंग इसमें वही हो जाएगी, हम मटेरियल डाल रहे हैं, रोलर आपस में पीस रहे हैं, पीस कर हमारा मटेरियल बाहर आ जाता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ यही है इसकी वर्किंग, वही बात लिख रही है, मटेरियल टू बी ग्राउंड प्लेस ऑन द बेड। हम मतलब बेड मतलब वो एरिया जहाँ पर हम मटेरियल को फीड करा रहे हैं, ठीक है। मटेरियल हमने फीड कराया था, स्टोन रिवॉल्व इन एक्सी, यानी कि स्टोन आपस में अपनी ही जगह पर घूमेंगे, सम टाइम ट्रेवल राउंड इन स्टोन बेड। कुछ कुछ टाइम देखा गया जो स्टोन बेड है ये ट्रेवल राउंड मतलब दोनों आपस में बिहेवियर अलग अलग करने लग जाते हैं, बट ये बहुत कम केस में है। सो साइड डायरेक्शन इज अचीव्ड बाय सीयरिंग एज वेल एज क्रशिंग, तो क्रशिंग के द्वारा हमारा साइड डायरेक्शन हो जाता है। द मेटेरियल इज ग्राउंड फॉर अ डेफिनेट पीरियड, एंड जो हमारा मेटेरियल होता है वो ग्राउंड मतलब नीचे गिरने लगता है एक डेफिनेट पीरियड तक। पाउडर इज कलेक्टेड पास थ्रू सीव टू गेट पाउडर ऑफ रिकर्स, एंड इसको हम सीव के थ्रू एक पास करा लेते हैं, यानी कि कुछ छलनी टाइप का होगा लगा होगा, ये जो दिख रही है एक छलनी टाइप की लगी हुई है जिससे पास होता है हमारा मटेरियल, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं कलेक्टिंग ट्रे में, ठीक है। डायग्राम जरूरी नहीं है आप यही बना के आओ, मैंने आपको समझा दिया है। इसमें मेन है बस हैवी रोलर, दो रोलर है ना इसमें कंपलसरी है, बस वही बात है इसमें एज रनर में, ठीक है। वर्किंग आपकी समझ में आ गई, अब देखते हैं इसके यूजेज मेरिट डीमेरिट। गाइस अब समझिए इसके कुछ यूजेज आप, ठीक है। यूज़ क्या होने वाला है, यूज्ड फॉर टफ मटेरियल टू फाइन ग्राइंडिंग, यूज्ड फॉर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन में प्रोडक्ट जो भी हमारा मटेरियल यूज़ होता है उसकी फाइन ग्राइंडिंग करने के लिए ये मशीन यूज आती है, ठीक है। एडवांटेज देखिए इसके, वेरी फाइन पार्टिकल साइज इज ऑब्टेन, मतलब बहुत छोटे से छोटा पार्टिकल साइज हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। मोस्टली यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ ड्रग, यानी कि मोस्टली ज़्यादातर सभी ड्रग्स के लिए ये मशीन यूज़ हो जाती है। रिक्वायर्स लेट एक्सेंटर, यानी कि एक बार इसको हम चलाकर छोड़ देंगे, यहाँ पर कोई अटेंशन की भी जरूरत नहीं है। डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट क्लीनअप, एंड जरूरी नहीं है हम इसको बार बार ज़्यादा ही साफ करें, कोई दिक्कत नहीं। इट हैज़ सिंपल डिजाइन सिंपल ऑपरेशन, बहुत ही सिंपल एक मशीन है, सिंपल मैंने आपको अब बना के दिखाई ना वही वाली, एंड सिंपल ऑपरेशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ऑक्यूपाई मोर स्पेस। अब आपने देखा होगा जो हमारी मशीन ये आटे छालने वाली चक्की होती है कितना स्पेस घेरती है, वही बात है इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है, ऑक्यूपाई मोर स्पेस। चांसेस ऑफ कंटामिनेशन बाय रोलर, एंड जो रोलर होते हैं आपको पता है ना स्टोन या ग्रेफाइट के बने रहते हैं, तो इससे हमारे कंटामिनेशन का चांस रहता है। नॉट यूजफुल फॉर स्टकी मटेरियल, एंड जो हमारे स्टकी मटेरियल होते हैं यानी कि चिपचिपे मटेरियल, उसको लिए ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो तो खुद चिपक जाएंगे इसमें तो उनका क्या साइड डायरेक्शन होगा। प्रोड्यूस नॉइज, और ये बहुत नॉइज करती है, आपको पता है मशीन कितनी नॉइज करती है ये वाली। बेस्ट टाइप ऑफ मिल रिक्वायर हाई एनर्जी, एंड बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी कंजप्शन होता है इस वाली मशीन में, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत ही सिंपल है, आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर लिखिएगा इस, ठीक है। जरूरी नहीं है ये मैंने आपको बता दिया तो इसको ही रटना है, नहीं, डेली लाइफ से रिलेट करिए। मशीन आपको मैंने बता दिया बिल्कुल डेली लाइफ बेसिक वाली, वही आप बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गाइज अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मशीन जो कि हमारी एंड रनर मिल। तो गाइज अभी हमने एज रनर मिल देखी थी जो कि एक्ट कर रही थी एक मोटर पिस्टल के मतलब मोटर पिस्टल के वर्क की तरह, ठीक है। ये पिस्टल हो गई, ये हो गया हमारा मोटर। तो अब देखिए इसको जब हम हाथ से चला रहे हैं तो ये होती है हमारी एज रनर मिल, एंड ये जो हमारी एंड रनर मिल है जो हम अब पढ़ेंगे ये इसका मॉडिफिकेशन रूप होता है, ठीक है। इस मशीन को ही हम मॉडिफाई कर देते हैं एंड वही बन जाती है हमारी एंड रनर मिल। अब मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे, इसमें हम लगा देते हैं एक मोटर, ठीक है। अब मोटर हमने जैसे यहाँ पर लगा दी, इसको घुमाने का खुद काम करेगी, तो मोटर जब इसको खुद घुमा रही है तो यही हमारी बन जाती है एक एंड रनर मिल, ठीक है। डायग्राम मैंने आपको समझाया था पीछे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला भी। तो ये है हमारा एक बुक के बेस पर, जो पहले साइंटिस्ट होते थे वो उन्होंने जैसा देखा वैसा बना दिया, बट ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने आपको, आप कुछ नहीं करना, ठीक है, आप बस सिंपल एक ऐसे मोटा पिस्टल बनाना, अब गाइस ये मत कहना कि मैं कुछ वैसा ही बता रहा हूँ, ये बहुत ही लॉजिक वाली बात है एंड सीरियसली लेना इसको, ठीक है। अब इसको ही हम एक मोटर से कनेक्ट कर देंगे, जो डायरेक्शन इसकी ये होगी रोटेशन की। अब इसको हम जब रोटेशन कर देंगे, इस स्टैंड लगा देना साइड में, स्टैंड लगा के इसको बंद कर देना, यही हमारी बन जाएगी एंड रनर मिल, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं आप यही बना के आना, आप वही बना के आओ मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा ये। बस समझ में कुछ नहीं है, दो रोलर इसमें भी होते हैं, एक साफ्ट इसमें बीच में लग रहता है, हम मटेरियल इसमें फीड कराया जाते हैं।
आपस में ये रोलर ही एक दूसरे को टकराएंगे एंड उससे हमारा मटेरियल हमारा बाहर आता रहता है बेस के रूप में, ठीक है। मतलब बेस हमारा नीचे रहता है तो बेस के थ्रू हमारा एक मटेरियल हमको बाहर मिलता रहता है। इसका प्रिंसिपल देख लो, बेस्ड ऑन क्रशिंग कंप्रेशन एंड सीयर स्ट्रेंथ, यानी कि हमारा क्रशिंग पर ही बेस है ये वाला, एंड रनर में भी और एज रनर में। क्रशिंग ड्यू टू हाई वेट ऑफ स्टील पिस्टल, देखो गाइस जब पिस्टल आ गया ना तो मोटर पिस्टल ही है गाइस ये, आप कुछ भी मत समझो, मोटर पिस्टल ही है ये। बस एंड उसमें एज रनर में आप मोटर मत बना के आना मोटर पिस्टल पर, बट एंड रनर में आप मोटर पिस्टल पर एक मोटर जरूर बना के आना, ठीक है। एट्रिशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोटर और पिस्टल, ठीक है समझ में आ गया ना, मोटर पिस्टल का ही रोल है यहाँ पर, ठीक है। भाई थोड़ी इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन की। देखो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मैकेनिकल मोटर एंड पिस्टल, मैंने आपको बताया ना एक मोटर लगी रहती है मोटर एंड पिस्टल में, वही बात लिख रही है गाइस, वही बात लिख रही है। मैं आपको कोई भी तुक्के वाली, ये थ्योरी एक बुक के बेस पर है, रेफरेंस बुक के, स्टैंडर्ड बुक के बेस पर है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील मोटर विच इज फिक्स टू अ फ्लैट प्लेट, यानी कि एक स्टील की मोटर लगी रहती है। बिलो द फ्लैंक प्लेट अ ब्लेड क्लॉक कॉक फिटिंग इज अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बलिंग अ पुले, अब ये यहाँ पर जो पुले लगे रहते हैं मतलब वही मोटर ये रोलर, इसमें हमारी एक लगी रहती है फ्लैंक प्लेट, ठीक है। द पिस्टल इज डम्ब बेल शेप्ड फॉर बैलेंसिंग एंड इफिशियंट ग्राइंडिंग पर बिट, ये जो हमारी पिस्टल रहती है एक मतलब बेल शेप्ड, आपको पता है डम्ब बेल की तरह रहती है, बॉटम ऑफ पिस्टल प्लेट, अब जो इसके पिस्टल का बॉटम रहता है वो एकदम चपटा रहता है, फ्लैट रहता है, ठीक है। जरूरी नहीं आप इसको लिखो, इसको इसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना के आओ बस अच्छे से, ठीक है। वर्किंग इसकी वही हो जाने वाली जो मैंने आपको पीछे बता दिया, द मटेरियल टू बी ग्राउंड प्लेस्ड इन द मोटर स्क्रैच पुट द मटेरियल इन द पाथ ऑफ पिस्टल, वही बात है मोटर में आप कोई मटेरियल फीड करो, पिस्टल पिस्टल उसके ऊपर चला दो, मोटर रोवल्स एट अ हाई स्पीड, मोटर जो होगी वो रिवॉल्व मतलब आपस में घूमेगा, पिस्टल इज प्लेस्ड इन द मोटर, पिस्टल को फिर मोटर में रखो एंड उसको स्पीड कराओ मतलब ऑन कर दो स्विच मोटर की मदद से, वो पिस्टल घूमती रहेगी उसमें। ड्यूरिंग द साइड डायरेक्शन इज अपडेट बाय सीयरिंग एज वेल एज क्रेशिंग, अब जब हम इसको मोटर को ऐसे चलाएंगे मशीन की तरह से तो वो पीसेगा, क्रेशिंग वहाँ पर होगी, सीयरिंग वहाँ पर होगी, तो मटेरियल कलेक्टेड एंड पास थ्रू अ सीव टू गेट पाउडर ऑफ डिजायर्ड, यानी कि एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है हमारा मोटर, ठीक है, मोटर पिस्टल है यार, आपने लैब में देखा होगा इमल्सर सस्पेंशन जब बनाते हो आप, तो अब यहाँ पर है एक, ठीक है ऐसे रहते हैं ये मोटर पिस्टल, तो पहले हम यहाँ पर मटेरियल फिल करेंगे, ठीक है, इससे हमारी एक ये मोटर लगी रहती है, साफ्ट कह सकते हैं जिसको, एंड ये हमारा स्टैंड में ऐसे कवर रहता है, ठीक है। ये है इसका डायग्राम, आप यही बना के आओ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये मोटर जैसे लगी रहेगी, हम इसको स्विच से ऑन करेंगे तो ये हमारा घूमेगी, तो यहाँ पर हम मटेरियल पहले से ही डाल देते हैं, ये मटेरियल हमने डाल दिया तो ये घूमेगी, तो ऐसे ये घूमता रहता है ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसका घूमेगा, तो यहाँ पर ये क्रशिंग की मदद से ये छोटा होगा, साइज में रिड्यूस होगा, एंड जब हमको एक रिड्यूस मतलब मिल जाएगा पार्टिकल साइज जिससे जिसको हम चाहते हैं, हम इसको स्टॉप कर देंगे, इसको हटाकर मटेरियल को बाहर निकाल लेंगे, वही वर्किंग है सिर्फ ये, ठीक है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा। यूजेस देखिए, इट इज़ सुटेबल फॉर फाइन ग्राइंडिंग, जैसे पीछे देखा था बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू रिड्यूस फाइबरस क्रूड ड्रग टू अ फाइन पाउडर, यानी कि जो हमारी फाइबरस क्रूड ड्रग होती है उसका भी फाइन पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है, एग्जाम्पल ऑइंटमेंट वेट एंड ड्राई कफ क्रूड ड्रग, मैंने आपको बताया ना इसमें हम ज़्यादातर ऑइंटमेंट इमल्सन सस्पेंशन वेट एंड ड्राई कफ क्रूड यही आप हम सब इसमें बनाते हैं, ठीक है। एडवांटेज देखिए, नो कंटेमिनेशन, इजी टू हैंडल, नो हीट प्रोड्यूस, लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज, प्रोड्यूस फाइन पैनिकल, ठीक है आप मतलब समझ गए होगे, बहुत सिंपल है। डिसएडवांटेज देख लीजिए इसके, नॉट सुटेबल फॉर अनब्रोकन और स्लाइटली ब्रोकन कंडीशन, यानी कि अगर ये थोड़ा सा भी टूटा होगा मतलब मोटा पिस्टल जो होगा वो थोड़ा सा भी टूटा होगा तो हम इसको यूज में नहीं ला सकते, नॉट यूज फॉर स्टकी मटेरियल, वही बात है चिपचिपा मटेरियल हम इसमें यूज नहीं कर सकते, उसमें इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, नॉट यूज फॉर बिग हार्ड पार्टिकल, एंड जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें रिड्यूस नहीं किए जा सकते, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मोटा पिस्टल कितनी बड़ी मशीन रहती है, छोटी सी रहती है। तो गाइस हमारा आज का टॉपिक जो कि था ये एज रनर मिल एंड रनर मिल दोनों कंप्लीट होते हुए, ये हमारा साइड डायरेक्शन पूरा पोर्शन कंप्लीट होते हुए, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साइड सेपरेशन, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा साइड डायरेक्शन का, आप इसको जरूर से एक बार वॉच कर लेना, तीन लेक्चर डाले हैं बस इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे साइड सेपरेशन,
एंड जो फर्दर हमारी जो अदर सब्जेक्ट्स है वो भी आपने नहीं देखे तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना उनको भी, प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे, कल ही लाएंगे मतलब। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर से सब्सक्राइब करें, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है? तो एंड दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। नोट्स वोट्स आप कुछ भी चाहिए, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप कहीं भी ज्वाइन हो जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर।